Great morning, students. Today we shall do word meaning of 10th class, chapter 2. In this chapter, on the page number 19 and 20 of the NCERT book, we will do. Clear? So here, class 10th, lesson 2, Nelson Mandela, a long walk to freedom. We are doing here. First, word meaning. Word meaning is page number 19 to 20 tak NCERT book. In NCERT book, we will do this. First is word meaning. Despised had a very low opinion. मतलब very छोटी राय. Opinion. मतलब जिसकी छोटी सोच होती है. We can say very low. Second is overwhelmed. Overwhelmed होता है happy, cheerful. Overwhelm मतलब ज़्यादा खुश होना. Overwhelm जैसे लिखते हैं ज़्यादा खुशी. ठीक है. Next है erected तो stood में खड़ा होना, बनाना, या मैंने खड़ा कर देना है, बना दे, संविधान बना था या कानून बना था तो बनाना. क्लियर. नेक्स्ट है decade, tenure, ग्रुप ऑफ 10 ईयर, मतलब दशक. क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दशक. ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 ईयर. आगे सेक्रीफाइस, इमोलेट होता है सेक्रीफाइस, मतलब त्याग करना, बलिदान, जिसकी हिंदी क्या है, हिंदी में भी हम लिखते हैं बलिदान, सेक्रीफाइस. नेक्स्ट करेज मीन डियर, साहस रखना. नेक्स्ट है पेन मीन सफर, दुखी, पेन मीन दुखी. क्लियर. नेक्स्ट इज ईयर ऑपरेशन मीन टू प्रेस, किसी को दबाना, शोषण करना, हिंदी में कहते हैं शोषण करना, दबाना किसी को, दैट इज ऑपरेशन. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग हियर. सो वी विल कंप्लीट दीज वर्ड मीनिंग सो दैट वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन टेक्स्ट बुक. क्लियर. सो दीज आर ऑन द पेज नंबर 19 to 20, अदर वर्ड मीनिंग विल कम एंड वी विल सॉल्व देम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ चैप्टर. The day was symbolized for me by the playing of 2 national anthem. जो दिन जो था मेरे लिए जो सिम्बोलाइज था, जो एक मेरा प्रतीक था, जो मेरे लिए एक यादगार था, वो 2 national anthem थे. And the vision of the white, और जो vision था whites का, singing का, यानी white लोगों का, कोसी सिकलेल अफ्रीका, वो कोसी सिकलेल अफ्रीका गाया गया था. And the black singing diastem, और black लोगों के लिए diastem गाया गया था. द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि ओल्ड एंथम था, पुराना राष्ट्रीय गान था गणतंत्र का. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, दैट डे उस दिन नीदर ग्रुप न्यू, कोई भी ये नहीं जानता था द लिरिक ऑफ द एंथम, कि एंथम की जो लिरिक है उसकी जो लय है, लिरिक होता है लय एंथम की. दे वंस डिस्पाइज्ड, they would soon know the words by heart. तो उन्होंने जो गाया वो केवल एक डिस्पाइज रूप से गाया, और उन्होंने जो है उसको सभी जानते थे कि it would soon know words by heart, कि जल्दी हम इसको हट से, बिल्कुल दिल से, अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे या जान जाएंगे. On that day of the inauguration, as I told you already, स्थापना, starting, I was overwhelmed होता है ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा खुश हो जाना. Overwhelmed with the sense of history, तो history की sense से मैं बहुत ज़्यादा खुश था. In the first decade में of the 20th century के first decade में, A few years after, कुछ वर्ष के बाद, the bitter Anglo-Boer, तो जो bitter Anglo-Boer war जो था, and after my own birth, और मेरे अपने birth के बाद, the white-skinned people of South Africa, जो white-skinned people थे, white people थे South Africa के, patch up their differences, उन्होंने patch up में बना लेना,
चिपका ले, पैच कर लेना, एक डिफरेंसेस बना लिए एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, इरेक्टेड मैंने बना लेना, टू क्रिएट, इरेक्ट, देखो इरेक्ट का मीनिंग है टू क्रिएट, या अगर इसमें इरेक्टेड दिया तो क्रिएटेड, फिर हम टू काट देंगे क्रिएटेड, तो क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, ठीक है, जातीय डोमिनेशन का, डोमिनेशन अधिकार का, जातियों का अधिकार का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, यानी काले लोगों के प्रति, डार्क स्किन लोगों के प्रति, वाइट पीपल ने एक अलग प्रकार का सिस्टम, एक रूल जो है इरेक्ट कर दिया, बना दिया, और ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपनी लैंड में ही द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डसेट्स, तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, दो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डसेट, वो बहुत कठोर था, मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन इसके अंदर मतलब बिल्कुल ही गलत हो, इंसानियत ना हो, बेसिस वन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नो, एक ऐसा बनाया कि जिसमें एक नीच प्रकार का बनाया कि जिसमें शायद ही समाज में, संसार की सोसाइटी में कभी इसके बारे में देखा हो ना हो, इन द लास्ट डिकेड, अब लास्ट डिकेड में 20th सेंचुरी के, माई ओवन एट्थ डिकेड, मेरी अपना जो आठवीं जो शताब्दी थी, एट जो डिकेड दशक था, एज अ मैन, एक मैन के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, कि जो सिस्टम रहा था एट डिकेड के रूप में, जो सिस्टम रहा था, देखो ओवर टर्न फॉर एवर, वो सदा के लिए चेंज हो गया, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, कि जो बिल्कुल चेंज हो गया और जिसको आप रिकॉग्नाइज किया, पहचाना जाता है उन आज़ादी अधिकारों के रूप में और आज़ादी के रूप में सभी लोगों के, सभी लोगों के अधिकार और आज़ादी के रूप में अब उस सिस्टम को जाना जाता है, तो रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी अब उनको कलर का जो स्किन है उसके आधार पर नहीं जाना जाता, उसके अलावा उनको अब जाना जाता है, द जे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, दैट डे हैड कम अबाउट, अब वो दिन आ गया है थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, कि जिस एक ऐसा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस में त्याग होता है, बलिदान जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, बलिदान, बलिदान, सेक्रीफाइस, बलिदान, यानी सेक्रीफाइस को हम बोलेंगे सेक्रीफाइस, इसके मीनिंग है बलिदान, अब जो सेक्रीफाइस है ऑफ द थाउजेंड ऑफ माई पीपल, तो जिस अकल्पनीय जो बलिदान था हजारों लोगों का, मेरे अपने लोगों का, वो दिन आ गया है कि दैट हैड कम अबाउट थ्रू द इनइमेजिबल सेक्रीफाइस थाउजेंड पीपल, पीपल हुज सफरिंग एंड द कोरेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड, कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना बलिदान किया था, जो सफरिंग किया था, उनका जो साहस था, हम उनको कभी भी ना तो उनको गिन सकते हैं और ना ही उनको हम दोबारा उनको दे सकते हैं, रिपेड कर सकते हैं, आई फेल्ट दैट एज आई हैव एंड सो मैनी डे अदर डे, तो आई फेल्ट दैट डे, तो मैंने जो है ये महसूस किया कि एज, क्योंकि आई हैव ओन सो मैनी डे अदर डे, कि जो आज मैंने महसूस किया है, ये मैं बहुत दिन पहले भी जो है मैंने इसको महसूस किया था, कि दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट, कि मैं सिंपली ही उन सब अफ्रीकन जो देशभक्त हैं उनका कुल एक सार हूँ, हु हैड गोन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए हो, कहता कि मैंने जो है सिंपली से ये जाना कि मैं तो उन सब अफ्रीकन लोगों का एक सार हूँ, देशभक्तों का सार हूँ जो पहले चले गए हैं, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल, जिनकी इच्छा बहुत बढ़िया थी और जो बहुत अच्छे लोग थे, लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब दोबारा फिर ऐसे लोग जो है मेरे साथ हैं, आई वॉज पेंट, पेन में दुख होना, मुझे बड़ा दुख होता है कि दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस एंड वॉट, तो यहां पे इसने कहा देखो आई वॉज पेन, मुझे बड़ा दुख है
कि दैट आई वॉज नॉट सो एबल टू थिंक, और मैं उनका थिंक करने के एबल भी नहीं हुआ हूँ, कि दैट कि दे वर एबल नॉट टू से दैट वट दे आर सेक्रीफाइसिस हैड रोथ, कि उनका जो बलिदान है वो सेक्रीफाइस वो क्या लेकर आया, रोथ, रोथ का मीनिंग है यहाँ पे डन, अचीव्ड, तो रोथ का यहाँ पे होता है, जो रोथ यहाँ पे है इसका है अचीव्ड। अचीव्ड, ठीक है, अचीव्ड, तो उसके सेक्रीफाइस ने क्या यहाँ पे अचीव किया है उनको इस बारे में ये पता नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेट, जो अपार्थेट की जो पॉलिसी है, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड, वो बहुत गहरे और लंबे चलने वाले जो घाव दिए मेरी कंट्री को, मेरी पीपल को, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, सबने बहुत वर्ष बिताए हैं, एंड इफ नॉट जनरेशन, यानी अब जनरेशन शताब्दियों में नहीं है, कि रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हार्ट, कि उन्होंने पूरे दिल से जो है ये जो समय बिताया है, बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड द ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी मैंने होता है बर्बरता, इनह्यूमैनिटी जिसको हम बोलते हैं इनह्यूमैनिटी, ऑपरेशन में जो शोषण करना, दबाना, और जो इनह्यूमैनिटी है, एंड हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और जो दूसरे गलत इफेक्ट हैं, दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बो, जो ओलिवर थैम्बो ने भी बताए हैं, और द वाल्टर सिसुलूज ने भी, और द चीफ लुथलीज ने भी, दीज आर द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, दीज आर नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, और द यूसुफ डोडो, ये यानी जो अपने राइट के लिए जो लड़े हैं और जो मरे हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए उसने, द यूसुफ डोडूज, द ब्रैम फिशर्स एंड द रोबर्ट सुबोकेव्स और ऑफ द टाइम मैन ऑफ द सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी एक ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल ही असाधारण आदमी हैं, एंड हु सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ फॉर गेटिंग द फ्रीडम फॉर अमेरिकन पीपल फॉर हिज ओन राइट, दे पेड देयर ओन लाइफ। सो नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन हियर दिस थिंग इन हीज ओन स्पीच। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर टेक्स्ट बुक हियर ऑफ द रीडिंग, एंड वी कम टू नो दैट फॉर द गेटिंग द फ्रीडम नेल्सन मंडेला एंड अदर, बिफोर द नेल्सन मंडेला देर आर मैनी पीपल हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ for getting the freedom of the life. That's why this is important for us, that for our country. And what is the meaning of the freedom? True meaning of the freedom also told us by Nelson Mandela. So students, you will complete the reading of this lesson, learning, writing, and with word meaning. And main thing is here, deeply understand this chapter. It is very important in the history of the world. Okay, thank you. And the next part of this we will complete in next video. Okay, thank you and have a nice day.